तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि वो इस काम के काबिल नहीं है, तुम्हें नहीं लगता कि हम गलत जगह आ गए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि उसने धोखा दिया। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें नहीं लगता कि, यानी हर सेंटेंस में तुम्हें नहीं लगता कि काम नहीं जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट यू थिंक दैट, डोंट यू थिंक दैट मीन तुम्हें नहीं लगता कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। डोंट यू थिंक दैट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, और डोंट यू थिंक दैट मीन तुम्हें नहीं लगता कि, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है, डोंट यू थिंक दैट ही इज टेलिंग अ लाई, डोंट यू थिंक दैट ही इज टेलिंग अ लाई, तुम्हें नहीं लगता कि वो इस काम के काबिल नहीं है, डोंट यू थिंक दैट ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब, डोंट यू थिंक दैट ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब, तुम्हें नहीं लगता कि हम गलत जगह आ गए हैं, डोंट यू थिंक दैट वी हैव रीच्ड रॉन्ग एड्रेस, डोंट यू थिंक दैट वी हैव रीच्ड रॉन्ग एड्रेस, तुम्हें नहीं लगता कि उसने धोखा दिया, डोंट यू थिंक दैट ही हैज डिसीव्ड, डोंट यू थिंक दैट ही हैज डिसीव्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें नहीं लगता कि वो परेशान है, तुम्हें नहीं लगता कि वो परेशान है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मंदना।